हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से ही। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा है। नाश्ता मतलब कि एक अंडे की ब्रेड वाला, जो अंडा ब्रेड होती है ना, वो मम्मी यहाँ पे मेरे लिए बना रही है, एक ही अंडे का सिर्फ, क्योंकि वही मैं खा सकती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। डॉक्टर ने मुझे डेली 2 एग खाने के लिए कहा है, लेकिन बस मैं एक ही खा रही हूँ। एक भी मतलब ऐसे आज मैं तीसरी या चौथी बार समझ लो आप खा रही होंगी, बाकी मुझे इतना एग वगैरह पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो अंडा ब्रेड जिसको हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, वो मम्मी यहाँ पे बना रही है मेरे लिए, एक ही अंडे की ब्रेड और एक ही ब्रेड, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं पाऊँगी। इसके साथ मैं एक बिस्किट का पैकेट और नमकीन और जो मेरा सांधा है, सेहत का खजाना मेरी, वो मैं खाऊंगी। बस इतना ही मेरा नाश्ता होता है सुबह का। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली रोटी बना दी थी मम्मी सबके लिए, और स्पेशली मेरे लिए यहाँ पे मम्मी ने अंडा बनाया है, अंडा ब्रेड बनाई है। और यहाँ पे साइड बाय साइड मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि आज मैं उठी हूँ लेट, बहुत ज़्यादा सोकर, ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया। देख सकते हो आप, साइड में रोटी भी रखी है, तो लंच का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं सुबह 4 या 5 मुझे बज जाते हैं अच्छे से सोने में, क्योंकि रात भर ना फीड कराओ, फिर पोटी कर देता है छोटा बेबी, और सुसु पोटी तो लगी रहती है, तो मैं सो नहीं पाती। तो 4 बज जाते हैं मुझे सुबह के, तो मैं ऐसे ही उठती हूँ 10, 11, 12 बजे, कभी कभी तो 12 बजे। और यहाँ पर देखो मम्मी जो है फिर से रोटी बनाने लग गई है। मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। ये भिंडी की सब्ज़ी आज मम्मी ने बनाई है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, क्योंकि ये बहुत मसालेदार है। निन्नी ले रहे हो? मेरे लिए बनेगी खिचड़ी। छोटा बेबी निन्नी ले रहा है, प्यारा बेबी निन्नी ले रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज ना मौसम बहुत ठंडा है बाहर का, इसलिए इसको ना चादर वगैरह उड़ा के रखी है, क्योंकि फैन चल रहा है लगातार। बाहर ना बहुत ही प्यारी बारिश हुई है, बहुत प्यारी बारिश, इतनी तेज हुई है ना कि ऐसा लग रहा है कि अब बस ठंडा मौसम हो जाएगा और मज़े आने वाले हैं आगे। ये देखो इतनी सुंदर बारिश हुई है ना, और देखो ग्रीनरी देखो आप लोग इधर। ये जो इसकी पता नहीं तोरी है कि करेले की बेल है, मुझे याद नहीं है क्या कहा था मम्मी ने, किस चीज़ की है ये। और ये देखो आप वेदर देखो कितना प्यारा हुआ पड़ा है। अमरूद के पेड़ देखो, इसमें ना इतने अमरूद आए थे ना, इस बार बहुत ज़्यादा अमरूद आए थे। तो ये दोनों पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ हैं, इन पर बहुत अमरूद आए थे। और मौसम मौसम के तो क्या ही कहने हैं, आज मज़ा ही आ गया। लेकिन ऐसे मौसम में ना मज़ा सा नहीं आता, मतलब घर घर में रहना पड़ता है, किचपिच सी लगती है, लेकिन ठंडक पड़ गई ना वो सही है। सुबह ही सुबह ना इतनी अच्छी बारिश देख के ना मन खुश हो गया, मतलब बारिश तो रात से ही ना बादल बहुत गरज रहे थे, लेकिन बारिश सुबह ही सुबह पड़ी है। और मैं अभी सो के उठी और मेरा फेस देखो, आँखें ना थोड़ी सूजी सूजी सी हो रही है मेरी। तो चलते हैं अंदर, अभी ज्ञान भी आ गए यहाँ पे। नो नो नो, चलो चलो अंदर। नहीं चलो चलो देखो, चलो ये देखो बाहर जाने की जिद कर रहा है ये। चलो चलो अंदर चले, छोटे बेबी के पास में चलो। सो फ्रेंड्स, ज्ञान को किसी तरह से मैं अंदर लेके आई हूँ, और बाहर बारिश हो रही है ना, तो बाहर जाने के लिए जिद कर रहा था। और आज ज्ञान के पापा का बर्थडे है, तो आज ज्ञान के ना पापा का बर्थडे है, तो शाम को हम सोच रहे हैं बाहर जाए या ना जाए। तो वो जब ऑफिस से आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या प्लान है। ऐसा तो कुछ है नहीं अभी, बट प्लानिंग होते ना टाइम नहीं लगता। तो ज्यांस के पापा आएंगे, उससे पहले मैं कर लेती अपनी तैयारी, क्योंकि मैं कहती हूँ तो वो मान लेते हैं, ज़्यादातर मेरी बात मना नहीं करते। मैं यहाँ पे ना मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ, ये ना मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। 2 सूट दिए थे, एक आपने येल्लो वाला देखा होगा जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में, इससे पहले जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी बेबी को लेके, जब देखा होगा ये वाला और ये वाला 2 सूट। इसका ना मैंने ब्लॉग भी बना के रखा है कि मम्मी ने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, बट वो मैं ना बस ऐसे ही होता है, मेरा मूड के ऊपर है, कर देती हूँ तो कर देती हूँ अपलोड, नहीं तो फिर 2 दिन की बात जाती। तो ये वाला सूट आज मैं पहनने वाली हूँ, देखेंगे ये कैसा लगेगा, तो शाम को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिन के बाद मतलब मैं ब्लॉगिंग करना चाहती, शाम का वक्त है, यहाँ पर मैं फील करा रही हूँ और ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ। कान के सोच रही थी पहनने के लिए, बट कान में ना गोल्ड के पड़े हैं, तो फिर पहनने का कोई मतलब नहीं था, नहीं तो ऑक्सीडाइज झुमके मैंने निकाल के रखे थे इस अनारकली सूट के ऊपर।
तो ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था सूट। आप आगे देखोगे यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी निकाल ली है, वही आए थे कार लेके, हमने पापा ने अपने वाली नहीं निकाली थी तो अंदर ही खड़ी है। हम लोग एक ही कार में आज जा रहे हैं, तो पापा भी आ गए, मेरा भाई भी हो गया रेडी, सब रेडी हो गए थे और हम निकल लिए थे पार्टी करने के लिए। काफ़ी दिन बाद आज बाहर निकली हूँ मैं और देखूँगी मैं क्या खाऊँगी और क्या नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ों की मना है, लेकिन देखते हैं। थोड़ा बहुत खाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो गए हैं मुझे। तो हम लोग पहुंच गए थे सहारनपुर में, रहती हूँ मैं, चिकलेट है ये जगह, रेस्टोरेंट का नाम है चिकलेट और काफ़ी अच्छा यहाँ पे खाना है। हम पहले खा के गए थे यहाँ पे, एनिवर्सरी पे आए थे हम लोग, तो पापा मम्मी को ये कहा कि वहीं चलते हैं, वहाँ पे खाना स्नैक्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। तो यहाँ पे सब आ गए थे, सब लोग रेडी थे और इसके पापा का वेट कर रहे थे जेंट्स के कि वो गाड़ी लगा के आएँ, तो सब एंट्री साथ में करें। सेटल हो गए थे, भाई ना मैंने चेक कर रहा था और स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर दिए थे, केक कटिंग की यहाँ पे हो गई थी तैयारी। बाबू सर यहाँ देखो, यहाँ वो उधर से ले लेंगे, उधर से अभी रुको तो सही, रुको तो सही, अभी बेटी खाएगा, छोटा भी दिया, नहीं छोटा भी दिया, छोटा भी दिया, रुको आइए, नहीं नहीं, यहाँ से ले, अभी रुको, बेबी तो कहाँ जा रहा है, रुको, अभी जब तक Happy birthday to you, happy birthday dear Viren, happy birthday to you.
कितना एंजॉय कर रहा है, वो भी एक फैमिली है और हम लोग भी। तो जियांस की तरफ ही मेरी नज़र थी और खाना वाना अच्छे से खाया, खूब इंजॉय किया, केक कटिंग की, बढ़िया से सब कुछ हो गया। और अब चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 11:30 हो गए थे, 12 ही बजने वाले थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।